तो किसी के पास थोड़ा भी बुद्धि रहेगा उसको समझ में आएगा, जब भी सृष्टि होता है सृष्टि का निर्माण भी कोई करता है। ये दुनिया में कुछ भी चीज बिना और किसी के निर्माण किए आता नहीं है, है कि नहीं। ये जो माइक है, कुछ भी है, किसी ने तो सृष्टि का निर्माण किया है, वो चीज का निर्माण किया है। तो ये कॉमन लॉजिक है। तो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो अपने आप आ जाता है। एक चपाती भी अपने आप नहीं आता, किसी को बनाना पड़ता है। छोटा चपाती हम खाएंगे हमको लगेगा ऐसे ही अपने आप आ रहा है, तो उसके पीछे भी बहुत मेहनत है। तो एक छोटा सा चपाती भी अपने आप नहीं आता। तो ये मूर्खता है ये सोचना कि पूरा सृष्टि अपने आप आ गया। तो मूर्ख व्यक्ति बोलता है प्रकृति ही सब कुछ करता है, प्रकृति ही ऑटोमेटिकली सब कुछ करता है। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप चलता है। तो व्यक्ति को लगेगा इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप आ रहा है, हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी आता है। पर बुद्धिमान व्यक्ति को पता है नहीं, एक इंजीनियर है, एक पावर हाउस है, एक पावर ग्रिड है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनता है और अलग अलग चैनल से आता है। एक इंजीनियर सुपरवाइज करता है उसको, हमको दिखता नहीं है पर वो सुपरविजन होता है। ये सृष्टि ऐसा लगेगा अपने आप चल रहा है। जमीन में बीज डालो, पानी डालो, पौधा आता है। तो हमको लगेगा अरे अपने आप आ रहे हैं ये पौधा। सूरज उगता है, ढलता है, सीजन आते हैं जाते हैं। पर ये सब के पीछे बुद्धिमान व्यक्ति देखता है भगवान है। जैसे एक हीरा का हार रहता है, मोती का हार, तो मोती के हार में वो धागा दिखता नहीं है, लेकिन नहीं मोती ही दिखता है। पर बुद्धिमान व्यक्ति को पता है मोती अपने आप एक साथ नहीं रह सकता, बिगड़ जाएगा। उसको एक साथ रखने के लिए वो जो सूत्र है, सूत्रे मणि गणाइव, भगवान बोलते हैं वो जो सूत्र है मैं हूं। ये पूरी दुनिया को एक साथ रखने वाले वो जो व्यक्ति है वो भगवान है। हालांकि हमारे आंखों से दिखते नहीं है पर अगर हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे हमको समझ में आएगा भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। बुद्धिमान भक्त जानते हैं गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के, कि ये सबके पीछे भगवान का हाथ है।